दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल ने जो उपलब्धि प्राप्त की है बेरोजगारी में दिल्ली नंबर वन, वहीं पर एक और उपलब्धि भी उन्होंने प्राप्त की है। दिल्ली उन गिने चुने राज्यों में से एक है जहां एक भी मॉडल कैरियर सेंटर बनाने का जो काम होना चाहिए था एक भी सेंटर दिल्ली में नहीं बना पाए। एक और उदाहरण के साथ मैं बताना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल ने कभी युवाओं के भविष्य को लेकर के कभी सोचा ही नहीं। मुझे याद है जब हम लोग 10वीं पास करके हमारे माता पिता या हम भी चिंतित होते कि हमें 10वीं पास कर ली और आगे भविष्य में नौकरी करनी है तो कहीं जाकर के हम अपना नाम दर्ज करा दें। मैंने विवेक विहार अथॉरिटी में जाके अपना नाम दर्ज कराया था, वहाँ रोजगार कार्यालय होता था, याद होगा आपको, रोजगार कार्यालय, जिला रोजगार कार्यालय। अफसोस की बात है कि जो रोजगार कार्यालय युवाओं को रोजगार दिया करते थे आज उन रोजगार कार्यालयों के अंदर खुद के 84% पद खाली हैं। और इन इमारतों की आप बात करेंगे तो बंद होने की कगार पर है, बल्कि आधे रोजगार जिला रोजगार कार्यालय बंद भी हो चुके हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने किस तरह से युवाओं के रोजगार पर ध्यान दिया। आज शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसको यह पता हो कि रोजगार कार्यालय में जाकर के अपने आप को रजिस्टर करा है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री झूठ बोलने में बड़े माहिर हैं, गुमराह करने में बहुत माहिर हैं। जिस तरह से वो वादे करते हैं, जिस तरह से घोषणाएं करते हैं, कुछ दिनों बाद उसका सच सामने आ जाता है। इसलिए 2013-2015 के अरविंद केजरीवाल के घोषणा पत्र को आप देखें जिसे वो कहते थे कि जनता का घोषणा पत्र है, अरविंद केजरीवाल उसमें बहुत बड़े बड़े दावे किया करते थे और उस दावों में ये था कि 5 वर्षों में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल चुनाव जीत करके आएंगे तो लगभग 8 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। माफ कीजिएगा जनाब, 8 लाख लोगों को तो आप रोजगार तो बात छोड़िए, जो लोग ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए लोग थे जिनको आपने सपने दिखाए थे, खासतौर से टीचर्स, डॉक्टर, नर्सेस, आप उनको पक्का तक नहीं कर पाए। 8 लाख की बजाय 440 का जो मैंने आपके सामने फिगर रखा है, ये सच आरटीआई के द्वारा प्राप्त जानकारियां हैं जो मैंने आपके सामने रखी। एक मैं आपके सामने आंकड़े रखना चाहता हूँ, CMI जो कि सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी का जो एक सर्वे होता है जिसमें दर्शाया जाता है कि देश की क्या स्थिति है, बेरोजगारी के जो आंकड़े जो प्रस्तुत करते हैं, बड़ा दुख पहुंचता है जब इन आंकड़ों की तरफ हम देखें, जहां देश में बेरोजगारी दर 11.4% है वहीं दिल्ली के अंदर 45.6% बेरोजगारी दिल्ली में। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली के अंदर बेरोजगारों की स्थिति किस तरह से बिगड़ती जा रही है। आज दिल्ली बेरोजगारी के मामले में देश के अंदर नंबर वन शहर बन चुका है, नंबर वन। जितने बेरोजगार लोग दिल्ली में हैं शायद ही देश के दूसरे किसी प्रदेश में हो। और दिल्ली के मुख्यमंत्री बार बार ये दावा किया करते थे कि दिल्ली को एक नया शहर बनाएंगे, दिल्ली को हम विश्वस्तरीय शहर बनाएंगे। ये आंकड़े क्या दर्शाते हैं? जहां देश के अंदर 11.4% बेरोजगारी, वहीं दिल्ली के अंदर लगभग 45.6% की बेरोजगारी आज दिल्ली में। दिल्ली को बेरोजगारी में नंबर वन लाके खड़ा कर दिया अरविंद केजरीवाल ने। अफसोस इस बात का है कि साथियों 2013 में जब पहली मर्तबा अरविंद केजरीवाल साहब चुनाव लड़ने आए थे, उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे अपने मैनिफेस्टो में बेरोजगारों को लेकर के, क्योंकि उनको मालूम था कि बेरोजगारी एक ऐसा विषय है जहां जनता को गुमराह किया जा सकता है, और उन्होंने गुमराह करने का वो काम भी किया कि लोगों को रोजगार देंगे। मैं अरविंद के मुख्यमंत्री बनने के बाद एक और आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, 2015 से लेकर के आज तक, या यूं कहें 2020 अगस्त का एक हम कोई आंकड़ा निकालें तो उसमें मात्र 440 लोगों को नौकरी, मैं ये कहूं कि बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल पाया है, 440।
ये अरविंद केजरीवाल का रिपोर्ट कार्ड है रोजगार देने का, जो ये कहते हैं कि दिल्ली के युवाओं को वो रोजगार प्रदान करेंगे। मात्र 440 युवाओं को रोजगार देना, ये दर्शाता है कि किस तरह का कार्य अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में किया है, बेरोजगार युवाओं को लेकर के, दिल्ली के अंदर इंडस्ट्री बनाने को लेकर के या रोजगार जनरेट करने को लेकर। लेकिन युवाओं को बार बार वो गुमराह करते रहे, इसमें खास तौर से COVID-19 की वजह से जहां लोगों ने अपनी जान गंवाई है, ना केवल देश में और दिल्ली में भी, वहीं कोविड की वजह से देश के साथ साथ दिल्ली में भी काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों ने अपने रोजगार खोए, काफ़ी तादाद में काम धंधे बंद होने की वजह से बहुत लोगों के रोजगार और नौकरियां भी चली गई। हर साल लाखों युवा अपनी पढ़ाई पूरी करके सरकार से जो उम्मीद रखता था कि मुझे रोजगार मिलेगा और मैं अपनी जीविका के लिए आगे जीवन जीने के लिए मुझे सरकार रोजगार प्रदान करेगी, रोजगार तो छोड़े हम लोग, सरकार बनाने से पहले जो आज वर्तमान में राजनीतिक दल जो बैठे हुए हैं, जो कभी दिल्ली के लोगों से वादा करते नहीं थकते थे कि हमें मौका देंगे तो हम दिल्ली के युवाओं को रोजगार देंगे, सो आज का जो साथियों जो विषय है वो बेरोजगारी। और जैसे मैंने कहा कि देश के साथ दिल्ली के अंदर भी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, हालांकि बहुत सारे विषय हैं, स्वास्थ्य से जुड़े हुए मुद्दे हैं, MCD से जुड़े हुए सफाई का विषय है, डेंगू के प्रकोप का विषय है जो धीरे धीरे दिल्ली में बढ़ता जा रहा है, विषय बहुत है, दिल्ली की जनता के मुद्दे बहुत हैं। लेकिन एक जो बेरोजगारी का जो मसला है, ये भी बड़ा एक संकट दिल्ली के युवाओं के सामने आ खड़ा हुआ है। आज दिल्ली की हम बात करें तो पिछले 75 वर्षों में जो बार बार भाजपा की सरकार या दिल्ली के बैठे मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब जो जनता को बार बार 75 साल बार बार दोहराते हैं कि कुछ नहीं हुआ, तो मैं कहना चाहता हूं कि 75 साल में पहली बार बेरोजगारी की जो स्थिति है सबसे खराब। जितने बेरोजगार आज देश में हैं और दिल्ली में, मैं खास तौर से दिल्ली की बात करना चाहता हूं, क्योंकि दिल्ली के एक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़े बड़े दावे किए थे। 75 वर्षों में सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति आज दिल्ली के अंदर बेरोजगारी को लेकर के। और बताना चाहता हूँ कि जो दिल्ली की स्थिति है बेरोजगारी में, देश से 4 गुना है। औसतन हम बात करें तो देश की बेरोजगारी से दिल्ली की बेरोजगारी 4 गुना ज़्यादा है।